दोस्तों हमारे BTS के मेंबर जिन तो मिलिट्री में जा ही चुके हैं और अगला नंबर हमारे मेंबर सुगा का है, पर रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो में रिवील किया है कि वो आजकल काफ़ी सारी क्लासेस ले रहे हैं क्योंकि वो मिलिट्री में जाने से पहले बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। और ये सुनकर आर्मीज को अंदाज़ा तो आ ही गया है कि सुगा जल्दी ही आर्मीज से दूर जाने वाले हैं। दोस्तों रिसेंटली BTS के मेंबर लाइव आए थे जब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आर्मीज के साथ डिस्कस करी थी और उसी लाइव में सुगा ने इनडायरेक्टली आर्मीज को बताया कि वो बहुत ही सारी चीज़ें आजकल सीख रहे हैं। दोस्तों सुगा का कहना ये था कि अब 30 की एज में जाकर उनको सडनली चीज़ें सीखने का और लर्न करने का अचानक से शौक जाग उठा है और ऐसे में उन्होंने बहुत ही सारी लेसन और क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि वो कीबोर्ड फिर से बजाने लगे हैं, वो गिटार और डांस की क्लासेस ले रहे हैं, जैपनीज और इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं, वो बहुत ही सारे लेसन्स ले रहे हैं अलग अलग फील्ड के क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये उनकी लास्ट लर्निंग होने वाली है। अब दोस्तों सुगा के वर्ड लास्ट लर्निंग से उनका ये मतलब नहीं कि वो जिंदगी में आखिरी बार चीज़ें सीखेंगे, लेकिन शायद उनका ये मतलब है कि मिलिट्री में जाने से पहले वो सब कुछ सीखना चाहते हैं क्योंकि उसके बाद 2-2.5 साल के लिए वो इन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे। पर दोस्तों सुगा मिलिट्री में जाएंगे या फिर नहीं, इस पर भी एक बड़ा सवाल उठ चुका है क्योंकि कुछ वक्त पहले जब बिग हिट से पूछा गया था कि आखिर सुगा के मिलिट्री के स्केड्यूल्स क्या हैं, तब उन्होंने बताया था कि मिलिट्री में जाना या फिर ना जाना आर्टिस्ट की पर्सनल चॉइस है और इसका पूरा स्केड्यूल आर्टिस्ट के पास ही है और उन्होंने इस बारे में सोचा है, जिसकी वजह से वो सुगा के एनलिस्टमेंट को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। दोस्तों यही नहीं बल्कि काफ़ी सारी सीक्रेट मीडिया से पता चला था कि अपनी शोल्डर इंजरी की वजह से सुगा मिलिट्री में नहीं जाएंगे बल्कि उनको वहाँ से सोशल सर्विसेज में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर वो उतने ही पीरियड के लिए सर्व तो करेंगे लेकिन मिलिट्री या फिर आर्मी के रिक्रूट जैसा काम नहीं करेंगे। यानी जिस तरीके से जिन मिलिट्री बेस में जाकर वहाँ पर फायरिंग और लड़ाई सीख रहे हैं, उस तरीके के काम सुगा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी शोल्डर में इंजरी है और मिलिट्री में जाने के लिए आपको पूरे तरीके से फिट होना पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों ये डिसीजन इसलिए भी लिया गया था क्योंकि मिलिट्री से वापस आने के बाद BTS के सभी मेंबर को सिंगर्स और डांसर्स की तरह अपने करियर को कंटिन्यू करना है, जिसकी वजह से वो अपनी हेल्थ पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं ले सकते। और मिलिट्री में जाने की वजह से अगर सुगा की हेल्थ या फिर उनके शोल्डर पर कोई भी ज़्यादा बड़ी इंजरी आ गई तो उसके बाद उनका करियर पूरे तरीके से ख़राब हो जाएगा। पर साथ ही साथ आर्मीज इस बात को देखकर भी खुश है कि सुगा किस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों को सीख रहे हैं और अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स को आगे बढ़ा रहे हैं और आर्मी सुगा से काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं। उनका मानना है कि हमें हमेशा ही लाइफ में इसी तरीके से मेहनत करनी चाहिए, चाहे हमारी एज कुछ भी हो। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि सुगा की इन बातों को लेकर आपका क्या सोचना है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।